नरेंद्र मोदी के झाबुआ दौरे को लेकर क्षेत्रीय विधायक आदिवासी नेता विक्रांत भुरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरी विधानसभा में स्वागत है। वह प्रचार के लिए आ रहे हैं, आए भाजपा के लिए आए। पीएम मोदी आदिवासियों के मुद्दे का निराकरण करें, सिर्फ घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के आदिवासी नेता विक्रांत भुरिया ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप आदिवासियों के लिए काम करें ताकि आदिवासियों को भी लगे कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा हुआ है। विक्रांत भुरिया ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, आदिवासियों का कल्याण होना चाहिए। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है आज सबसे ज्यादा देश में अत्याचार आदिवासियों पर हो रहा है। विक्रांत भुरिया ने कहा कि आदिवासी हित के लिए 7 करोड़ रुपए जो आदिवासियों की शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए दिया जाना था वो दूसरे विभाग में खर्च किया जा रहा है, यह दुख की बात है। जा रहे हैं, आज भी स्वागत है, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रचार के लिए आए, भाजपा के लिए आए, और पर सबसे बड़ी बात है कि जो आदिवासियों के मुद्दे को उसका निराकरण करें, सिर्फ घोषणाएं नहीं होना चाहिए। आप सही में कुछ ऐसे मजबूत काम कर दिखाएं ताकि पूरे समाज को लगे कि सही में उनके लिए पूरी ताकत से देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। और हम तो ये चाहते हैं कि राजनीति अपनी जगह है पर आदिवासियों का कल्याण होना चाहिए। आज क्या कारण है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध आदिवासियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा अपराध भी मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार का एक बहुत बड़ी विफलता है कि वो आदिवासियों पर अत्याचार रोक नहीं पा रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा कुपोषण आदिवासी क्षेत्रों में, उसके लिए भी उनको बहुत कड़े कदम उठाना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।